हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बीटीएस की कोई भी मेंबर की किसी की भी लाइफ के साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन है और ये आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे स्क्रीन पर वो सब कुछ सिर्फ एक क्लिप्स है और एडिट किया गया है और सिर्फ GIF है। तो फिर इसे बिल्कुल भी ध्यान में ना लेते हुए सिर्फ आप लोग FF को एंजॉय करेंगे। और मैं पहले ही वार्निंग किया था, रियल लाइफ के साथ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मैं पहले वार्निंग कर रही हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तभी आप लोग देख सकते हैं, वरना आप लोग अभी से स्किप करें। और मैं आज व्हेन ही हैज नाइट स्टैंड विद ए स्ट्रेंजर का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो तांग के लिए ही वेट कर रहा था कि कब जाकर तांग उसके केबिन में आएगा। फिर आधे घंटे तक वेट करने के बाद जाकर जंगकुक के केबिन पर नॉक होता है। तब इस सुनने के बाद ही जंगकुक के फेस पर एक एवल स्माइल आ जाता है। फिर वो अपनी डीप सिक्स वॉइस में कह आया था, अंदर आ जाओ, तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग जो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए चुपचाप अंदर आ जाता है, पर उसके गुस्सा पूरी तरह से हाई में था। तब ये देखने के बाद जंगकुक स्माइल करके कह आया था, तुम्हारी गुस्से एकदम तुम्हारे फेस पर फिट होता है। मैं सच में तुम्हारी इस एंगर फेस को एवरी डे देखना चाहती हूँ। तुम बोलो मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए क्या क्या करूँ ताकि मैं मेरी लिटिल हस्बैंड की इस एंगर फेस को एवरीडे देख पाऊँ। तब तांग गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं, पहली बात मैं तुमसे शादी नहीं किया हूँ, तो फिर ऐसे बातें तुम कैसे कर लेते हो। तब जंगकुक जो अपने सिर से उठकर अपने सूट को ठीक करते हुए कहते हैं, क्यों अपने मुँह से। तब तांग कहते हैं, तुम सच में इम्पॉसिबल हो, मैं कैसे तुम्हारे साथ जीत पाऊँगी। जो भी हो, मैं सिर्फ उस पेपर को चाहती हूँ, तुम मुझे धोखे से उसे साइन कराए हो। तब जंगकुक कहते हैं, जैसा मैं क्यार करते हो, पेपर ऑलरेडी साइन हो गया है और पेपर ऑलरेडी मेरे लॉकर में भी चला गया है। तो फिर अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, 3 ईयर के लिए मेरी बन जाओ या तो होल लाइफ के लिए मेरी बन जाओ। अब ऑप्शन तुम्हारे पास है, दोनों में से एक को चूज कर लो, पर एंड में तुम्हें आखिर तक मेरी ही बनना पड़ेगा। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम क्या मनी चाहते हो। तब जंगकुक कहते हैं, तुम कितनी मनी चाहते हो, मुझे बोलो, मैं तुम्हें पे करूंगी। तब तांग कहते हैं, मैं सीरियस हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ स्ट्रेंजर थे। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे जितना दूर पता है तुम जियोन जंगकुक के साथ हमेशा मिलना चाहते थे। और देखो, तुम जियोन जंगकुक के साथ पहली बात मिल भी लिया हो और उसके साथ इंटीमेट भी हो लिया हो, तो फिर और क्या चाहते हो, मुझे बोलो। तब तांग कहते हैं, सिर्फ तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडल की तरह देखता था। मैं तुम्हें देखकर मेरी कंपनी को इम्प्रूव करना चाहती थी, मैं खुद की वर्क को इम्प्रूव करना चाहती थी, ना कि तुम्हारे पास रहना चाहती थी। तब जंगकुक स्मार करके कहते हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें अपने हाथों से सिखा सकती हूँ और जबकि हम दोनों शादी करेंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा, मैं तुम्हें जब चाहे तब सिखा सकती हूँ। और एक अगर जंगकुक अपने लिप्स को लिख करते हुए तांग के और भी ज़्यादा करीब जाने लगता है। तब तांग जो सोली सोली पीछे की तरफ जाने लगता है जब तक उसके बैक वॉल के साथ अटक नहीं जाता है। तब जंगकुक आकर तांग के दोनों साइड अपने हाथ रखकर उसे पिन कर देता है और अपने डीप सिक्स वॉइस में उसे कहता है, अब बोलो क्या बोलना चाहते हो, फिर से रिपीट करो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मैं सुनना चाहते हो। जियोन जंगकुक के मुंह के सामने कौन ऐसा इंसान है जो उसे मना कर सकता है। तब तांग जिस बार जंगकुक के फेस को देखकर समझ पा रहा था वो जितने भी ज़्यादा अब काम दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, पर वो अंदर से गुस्से से पागल हो रहा था। तब वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस कॉन्टेक्ट को तोड़ना चाहती हूँ। तब जंगकुक तांग की यार को लिख करते हुए कहते हैं, ओ रियली, तो फिर 3 ईयर तक मेरे साथ रुक जाओ, उसके बाद कॉन्टेक्ट अपने आप टूट जाएगा। तब तांग कहते हैं, क्या तुम क्रेजी हो, तुम मुझे मार डालोगे। तब जंगकुक कहते हैं, ऐसे भी मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब ये सुनने के बाद तांग सिर्फ सोचने लगते उसे क्या करना चाहिए, जंगकुक के साथ होल लाइफ रहना चाहिए या तो 3 ईयर के लिए रहना चाहिए। ऐसे भी वो ऑलरेडी जंगकुक के साथ इंटीमेट हो चुका है, तो फिर उन लोगों के बीच में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो 3 ईयर के लिए नहीं मानता है तो फिर उसे होल लाइफ के लिए जंगकुक के साथ रुकना होगा, तो फिर उसके कोई फ्यूचर भी नहीं होगा, जो जंगकुक चाहेगा तांग को वही करना होगा। फिर जंगकुक अचानक से कहता है, तुम्हारा डिसीजन क्या है। तब तांग जो तुरंत अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूँगी,
मैं 3 साल तक तुम्हारे साथ रहूंगी, पर बदले में तुम मुझे कभी भी फोर्स नहीं कर सकते। तब जंकू कहता है, ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसके बॉस हूँ, तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूँगी। और तुम जानते हो रूल तोड़ने के खिलाफ अगर तुम जाओगे तो फिर ऑब्वियसली बात है तुम्हें पनिश मिलेगा, और पनिश के तौर पर तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, और यही तुम्हारी पनिशमेंट होगा तो फिर होल लाइफ के लिए। तो फिर एक बात याद रखो, कोई भी मुझे गलती नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे सही तरीके से चाहिए। अगर तुम कर पाते हो तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें खुद 3 साल बाद उस पेपर को तुम्हारे सामने फाड़ कर दिखाऊंगी। तब ये सुनने के बाद तेंग अपने मन में क्या था, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन तक रहने लगूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे ट्रस्ट को जीत कर उस पेपर को मैं खुद ही फाड़ दूंगी, और उसके बाद देखना मैं तुम्हें कैसे मेरी लाइफ से हटा देती हूँ, वो भी तुम्हें ये बिना पता चले। और ये कहकर तेंग चंगू की तरफ देख कर अपने बॉक्स से संभाल देता है और कहता है, तो फिर मैं क्या अब जा सकती हूँ। तब जंकू का अचानक से तेंग के बिहेवियर चेंज होते हुए देखकर एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ क्यों नहीं बेबी डॉल, पर उसके पहले तुम्हें नहीं लगता डैडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और ये कहकर जंकू तेंग को नीचे की तरफ पॉइंट आउट करता है। तब तेंग की नज़र जब नीचे की तरफ जाता है तब उसकी फिस्ट पूरी तरह से रेड हो जाता है, और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, अब इस टाइम। तब जंकू तुरंत कहते हैं, ऑब्वियसली इस टाइम, मैं इसी टाइम चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद तेंग सिर्फ जंकू की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल जगह पर। तब जंकू कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं मेरी सीट पर बैठ सकती हूँ, तुम सिर्फ अपने माउथ को यूज़ कर सकते हो, मुझे इससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और तुम जबकि खुद एक करना नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी ज़्यादा तुम्हें मजबूर क्यों ना करूँ, मेरे अंदर थोड़ा ना थोड़ा सा तो एक अच्छा इंसान है ही जो तुम्हारे बारे में फिक्र करता है। तब तेंग अपने मन में कहता है, डेविल होकर कह रहा है कि थोड़ा ना थोड़ा सा अच्छा बात है ही, इससे ज़्यादा और क्या बुरी बात हो सकता है, और अभी भी कह रहा है अच्छा बात है, इसमें इस जून कैसा इंसान है। फिर जंकुक जो अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने लिक्स को पिन करते हुए कहते हैं, अब तुम यहाँ पर आने वाले हो या तो मुझे अब तुम्हें फिर से कुछ याद दिलाना होगा। तब तेंग चुपचाप जंकुक के पास चला जाता है। तब जंकुक तेंग को कहते हैं, अब जिप को अनजिप भी करो। तब तेंग अपने घुटनों पर बैठकर चुपचाप जंकुक के पैन की जिप को अनजिप करता है और सोले सोले उसके बॉक्सर को हटा कर जंकुक की मेंबर को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है और उसे लिख करने लगता है। पर जंकुक इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था और वो तेंग के बालों को ग्रैब करके नीचे की तरफ पुश करता है। तब तेंग की बीट एकदम गले में अटक गया था और वो जो ठीक ठाक से सांसें भी नहीं ले पा रहा था, पर जंकुक नहीं रुका था, पर फिर भी तेंग जो अपने काम को अच्छे तरह से कर रहा था। फिर आधे घंटे बाद जंकुक जो तेंग के माउथ के अंदर खुद को पूरी तरह से रिलीज कर देता है। तब तेंग की माउथ जो पूरी तरह से सॉल्टी लिक्विड से भर गया था। तब जंकुक ऑर्डर करते हुए क्या था, तुम जानते हो इसे क्या करना होगा। तब तेंग तुरंत थामे अपना सिर हिला देता है और जंकुक ने जैसा कहा था तेंग जल्दबाजी में उसे पूरी तरह से निकाल लेता है। तब जंकुक के देखने के बाद स्मार करके क्या था, दैट्स लाइक गुड बॉय, अब तुम जबकि कर लिया हो तो फिर तुम अब अपने केबिन में जा सकते हो, तुम्हारी केबिन बाहर जाने के बाद ही मेरी एक एम्प्लॉय तुम्हें दिखा देगा, मैं उसे कॉल करके बोल दूंगी। तब तेंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो जब बाहर जाता है तब तेंग देखता है सच में कोई एम्प्लॉय उसके लिए वेट कर रहा था, फिर उसे केबिन दिखाने के लिए लेकर जाता है। पर तेंग अपने मन में कह रहा था, मेरी लाइफ को इतनी ज़्यादा कंट्रोल में लेकर आकर अब शांति नहीं मिला है, अब मुझसे काम भी करा रहा है, जिसमें इतनी ज़्यादा कैसे हार्टलेस बन सकता है, मुझे थोड़ा सा हेबिली ब्रीथ लेने भी दे सकता था, मेरी पूरे माउथ में अब जलन फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी गला कट ही गया है। और ये कहकर तेंग जो पाउट करने लगता है। तब जंकुक की एम्प्लॉय देखकर कहता है, मिस्टर आप पाउट क्यों कर रहे हैं। तब तेंग जो तुरंत अपने सेंस में आ जाता है और कहता है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। तब वो एम्प्लॉय जो तेंग को केबिन दिखा देता है। तब तेंग जो अपनी जगह पर बैठ जाता है और सिर्फ सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए। तब जंकुक जो तेंग को कॉल करता है। तब तेंग जो तुरंत कॉल उठा लेता है। तब जंकुक दूसरी तरफ से कहता है, मैं तुम्हें क्लियरली देख पा रही हूँ बेबी डॉल, तो फिर आप अपनी वर्क पर फोकस करो, मैं तुम्हें कुछ ईमेल सेंड कर रही हूँ और
वहाँ पर कुछ फाइल है जिसे तुम्हें चेक करना होगा, जल्दी से चेक करो। तब तैंग जो हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो तैंग को फाइल सेंड कर देता है, तब तैंग उसे चेक करने लगता है और अपने मन में क्या था, सच में इस जोन मुझे काम करा करा कर ही मार डालेगा। और ये कहकर तैंग की रोने जैसा फेस बन गया था। वहाँ एक बात, तैंग जो अपने काम को भी कर रहा था और बारी बारी में जंगकुक को सेटिस्फाइड भी कर रहा था, जो सच में तैंग को कहीं ना कहीं गुस्सा दिला रहा था। इस पूरे 1 वीक के अंदर तैंग सिर्फ 2 बार ही जंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ था, वरना हर वक्त ही तैंग को खुद की माउथ को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, क्योंकि जंगकुक उसकी माउथ को भी ठीक ठाक से नहीं छोड़ा था। तैंग जो अपने केबिन में कुछ वर्क कर ही रहा था, तभी जंगकुक उसे कॉल करता है। तब तैंग अपने काम वॉइस में कहते हैं, क्या हुआ है? तब जंगकुक कहते हैं, तुम जानते हो क्या हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तब तैंग कहते हैं, इस टाइम पर? तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर कौन से टाइम पर मैं तुम्हें बुलाऊँ? तब तैंग कहते हैं, पूरी रात भर क्या सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे, मेरी बैग की हालत भी ख़राब है, पर फिर भी तुम अब? तब जंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ वीक में 2 बार ही क्या हो, तो फिर अब तुम्हें इस बारे में सोचना बंद करना होगा और चुपचाप मेरी केबिन के अंदर आओ। तब तैंग बिना कोई बातें किए चुपचाप जंगकुक की केबिन के अंदर चला जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो ऑलरेडी अपनी लेग्स को पिन करके बैठा हुआ था। तब तैंग चुपचाप जाकर जंगकुक के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उस पेन की जेब को जब अनजिप करता ही है, तभी अचानक से डोर जो अनलॉक हो जाता है और कोई अंदर आ जाता है। तब जंगकुक तुरंत ही तैंग को उसकी डेस्क के नीचे छुपा देता है और तुरंत ही फिर से अपनी कोल्ड फेस के साथ आ जाता है। तब तैंग जो चिल्लाना चाहता था, क्योंकि उसे अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर वो जंगकुक के साडन बिहेवियर की वजह से समझ पा रहा था कि उसने कुछ प्रॉब्लम है। तब जंगकुक के सामने एक बॉय खड़ा हुआ था और वो एक बड़ा सा पाउट के साथ था। तब ये देखने के बाद जंगकुक अपनी कोल बॉयस में कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो बॉय कहता है, क्यों, मैं क्या यहाँ पर नहीं आ सकती? और ये कहकर वो जंगकुक के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक अपने मन में कहते हैं, मेरी इतनी ज़्यादा अच्छा सा टाइम को पूरी तरह से खराब करके अब यहाँ पर आ गया है, सच में मैं सिर्फ उसे एक दिन किक मार के साउथ कोरिया से ही निकालना चाहते हो, पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ही ऐसा था कि इस इंसान के साथ मैं फंस गई हूँ। तब वो दूसरे पर्सन कहते थे, हियोंग, तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो? तब जंगकुक कहते थे, कुछ नहीं। तब वो दूसरे पर्सन कहते थे, तुम क्या मुझे डेट पर लेकर नहीं जाओगे? तब ये सुनने के बाद तैंग अचानक से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहते थे, तो फिर अब जंगकुक तैंग को शादी के बारे में इतनी ज़्यादा मजबूर करके उसे ब्लैकमेल करके अब किसी और के साथ डेट पर जा रहा है, तो फिर जंगकुक अब दोनों साइड से गेम खेल रहा है? तब जंगकुक कहते हैं, क्या बातें कर रहे हो? तब वो दूसरे पर्सन कहते हैं, क्यों, मैं क्या सही नहीं कहा हो हियोंग? आप जानते हैं ना, आपके मॉम डैड ने मुझे कहा है कि मुझे आपके साथ डेट पर जाना चाहिए, पर आप जो मुझे मना कर रहे हैं। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने भी ऐसा कहा है, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ इस वजह से अब तक अटका हुआ हूँ क्योंकि तुम्हारी मेंटली हालत ठीक नहीं है, वरना आई स्वेयर। तभी जंगकुक और कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि तैंग जो उसके माइंड में कुछ नॉटी थॉट चल रहा था और उस जंगकुक के मेम्बर को अपनी माउथ में लेकर उसे सोले बाइट करने लगता है। तब जंगकुक जो अपने चेयर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और अपनी बॉटम लिप्स को बार बार बाइट करने लगता है। तब जंगकुक के सामने वाले पर्सन कहते हैं, हियोंग, आपको क्या हुआ है? आपकी फेस रेड हो रहा है। तब जंगकुक जो मौन ना करने की हर तरह से कोशिश करते हुए कहते हैं, सिर्फ चुप रहो। तब तैंग जो जंगकुक की ये सारे बातों को सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है और कहते हैं, मैं तुम्हें आज दिखाऊंगी मेरे साथ पंगा लेने की हालत क्या क्या होता है। और ये कहकर तैंग जो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तब यह अचानक से वो बॉय कहते हैं, हियोंग, आप क्या कुछ आवाज़ें सुन रहे हैं? तब जंगकुक जो अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं, यहाँ से बाहर चले जाओ। तब वो पर्सन कहते हैं, नहीं, मैं नहीं बाहर जाऊँगी, मुझे पहले जानना है यहाँ पर क्या हो रहा है और आपकी हालत ऐसा क्यों हो रहा है, शायद यहाँ पर इसी की कुछ प्रॉब्लम है। तब जंगकुक के सुनने के बाद उसे क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक बुरी तरह से ग्राउंड करना चाहता था पर वह नहीं कर पा रहा था और तैंग इसकी पूरी तरह से फ़ायदा ले रहा था। तब
जंगकुक के सामने वाले इंसान जब जंगकुक को कुछ कह नहीं वाला था, तभी जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में चिल्ला करके आया था, बस यहाँ से बाहर चले जाओ, अगर तुम नहीं शांत हो मैं तुम्हें किक मार के यहाँ से निकाल दूँ। तब वो पर्सन जो अपनी रोने जैसे शक्ल बना करके आया था, मैं जरूर जाकर मॉम डैड को बोल दूंगी कि ह्यूंग अपने मेरे ऊपर चिल्लाया है। तब जंगकुक कहता है बस बाहर में चले जाओ, और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और तांग के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तांग जंगकुक के हाथ पर स्लैप मार देता है। फिर वो बॉय जब वहाँ से चला जाता है, तब जंगकुक जो ग्राउंड करते हुए कहता है स्टॉप इट तांग। तब तांग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है और जंगकुक जो बार बार ग्राउंड करने लगता है और ग्राउंड करते हुए कहते थे तांग अपनी स्पीड बढ़ाओ, मैं ऑलमोस्ट आने वाली हूँ, मैं खुद को रिलीज करने वाली हूँ। तब ये सुनने के बाद ही तांग जो तुरंत रुक जाता है और तांग एक इनोसेंट स्माइल के साथ डेस्क के नीचे से बाहर आ जाता है और कहते थे मिस्टर जोन अब क्या ठीक है। तब जंगकुक गुस्से से तांग की तरफ देखने लगता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहते थे मैं तुम्हें क्या कहा था। तब तांग एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहते थे मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो मिस्टर जोन जंगकुक, मैं मेरी वर्क पर जा रही हूँ। और ये कहकर तांग जो बाहर जाने लगता है, तब जंगकुक गुस्से से कहते स्टॉप इट तांग, रुक जाओ, वापस आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा बन जाएगा। पर तांग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और एक प्राउडली स्माइल के साथ चुपचाप उसकी केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं सच में तुम्हें एक दिन इसके लिए पनिश करूँगी। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से अपनी केबिन के ही पास के बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर जल्दी से कोल्ड बाथ लेता है और कोल्ड बाथ लेने के बाद जाकर वो सेंस करके बाहर आता है और एक लंबा सांस छोड़ कर कहता है सच में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे आज जो पेन दिया हो उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो गया था कि तांग उसे इस टाइम पर कैसे सोच सकता है, क्योंकि जंगकुक कभी भी खुद को टच तक नहीं किया है, तो फिर वो कैसे खुद को ही खुद के टच से रिलीज कर सकता है। और जंगकुक कैसे चाहता भी नहीं है, वो सिर्फ तांग को चाहता है, पर तांग जो से बुरी हालत में छुड़कर चला गया है। दूसरी तरफ तांग अपने फेस पर प्राउडली स्माइल के साथ जब बाहर जाता है, तब सब लोग जो थोड़ा कॉन्फ्यूज था कि तांग के फेस पर इतनी बड़ा स्माइल क्यों है, तब एक एम्प्लॉय कहता है तांग तुम क्या ठीक हो। तब तांग कहता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस आज थोड़ा ज़्यादा ही खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा है। तब ये सुनने के बाद दूसरी पर्सन कहता है तुम्हें क्या बॉस ने अब तारीफ किया है। तब तांग कहता है तारीफ तो नहीं किया है, पर मैं इतने ज़्यादा अच्छा काम जो किया हो कि मैं खुद के ऊपर प्राउड फील करना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ, अगर तुम चाहते हो तो फिर बॉस से पूछ सकते हो। और ये कहकर तांग जो एक स्माइल के साथ अपनी केबिन में चला जाता है और अपनी डीप वॉइस मुस्पर करते हुए कहता है अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है मिस्टर जोन, तुम मुझे पूरे 1 वीक तक खुद के लिए यूज़ किया हो और आज मैं इसके बदला ले पाया हो, मैं तुम्हारी उस पेन भरी फेस को देखकर मैं सोच भी नहीं सकती हूँ तुम कितनी ज़्यादा पेन में थे, जिसमें मैं कभी भी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती थी कि मैं जोन जंगकुक की हालत ऐसे कर दूँगी, मैं सच में और क्या क्या करो, मुझे खुद के ऊपर इतनी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है जैसे मैं पूरे मीडिया के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जोन जंगकुक के साथ आज क्या क्या हो। और ये कहकर तांग जो हंसने लगता है। शाम के टाइम तांग जब अपनी वर्क करके जाने ही वाला था, तभी जंगकुक भी तांग के सामने अपनी कार को रोक देता है और कहते हैं चलो। तब तांग कहते हैं मैं कहाँ पर जाऊँगी जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं तुम मेरे घर में जाने वाले हो और इसकी रीज़न तुम्हें पता है। तब तांग कहता है मुझे एक फैमिली डिनर करना है तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। तब जंगकुक गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहता है चुपचाप मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्या कहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी बातों को फॉलो करोगे, मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मैं पूरे 3 ईयर तक तुम्हारी लाइफ की ऑनर हूँ, तो फिर अब चुपचाप कार में बैठो। तब तांग अपनी धीमे आवाज में कहता है मैं नहीं बैठूंगी, इसमें कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था कि मुझे तुम्हारी इस बात को सुनकर चलना पड़ेगा। तब जंगकुक कहता है पर ये बात तो जरूर लिखा हुआ था, मेरी हर एक बात को तुम्हें सुनकर चलना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मुझे लगता है मुझे कुछ और करना होगा। तब तांग जो एक
स्माइल के साथ कहा था, क्या करोगे तुम, क्या चाहते हो मैं तुम्हें दोबारा से हार्ट करके छोड़ दूँ। तब ये सुनने के बाद जंगूक अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर जंगूक केवल स्माइल के साथ कहा था, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस मैं तुम्हें मेरी बेडरूम की साइड वाले रूम पर लेकर जाऊँगी, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा टॉयस है जो मैं तुम्हारे साथ यूज़ करना पसंद करूँगी, जैसे हैंडकप है, ब्राइबेटर है, बेल्ट है, और उसके साथ बहुत सारा ब्लैक कपड़े भी है जो मैं तुम्हारे आइस पर लगा कर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगी, शायद तुम अब समझ पा रहे हो, या तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ के नाम बताऊँ। तब ये सुनने के बाद ताऊ गल्प करने लगते हैं। तब ये देखने के बाद जंगू क्या है, अब अगर डैडी की गुड बॉय बनोगे तो फिर कार में बैठ जाओ, तो फिर डैडी तुम्हें पनिश नहीं करेगा। तब तंग डर तो है चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है। तब जंगू गुस्से से बैक मिरर की तरफ देखते हुए क्या है, चुपचाप मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठो। मैं क्या कहा हूँ, तुम पीछे की सीट पर बैठोगे, चुपचाप सामने की सीट पर आ जाओ। तब तंग जो बिना कोई बात किए चुपचाप कार से उतरता है और जाकर सामने की सीट पर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगाकर पाउट करने लगता है। तब जंगू तंग अपनी कोल बॉस में कहता है, इतनी ज़्यादा पाउट मत करो वरना तुम कार में डिस्ट्रॉय हो जाओगे, मेरी गुस्सा ऑलरेडी हाई लेवल पर है। और ये कहकर जंगू कार को ड्राइव करने लगता है। तब तंग पाउट करना बंद कर देता है और अपने मन में कहता है, ओ माई गॉड, इस इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा, अच्छा हुआ कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए नहीं मान गई हूँ, वरना ये मेरी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता, मैं थोड़ा सा मेरी गुस्सा भी नहीं दिखा सकती, ये ऐसे कैसे इंसान बन सकता है, सच में मैं इसके जैसे इंसान मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा हो, मुझे उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है जो इसके साथ अपने होल लाइफ तक बिताएगा। और ये कहकर तंग जी एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जल्दी से तंग सिर्फ यही सोच रहा था कि वो कब सिर्फ घर में जाकर सो पाएगा, उस समय टायर्ड हो गया था, पर वो जानता है आज एक बहुत ही लॉन्ग नाइट जाने वाला है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।